नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा में लाठी डंडे चले हैं और ईंट पत्थर यहां तक चले हैं। आपको बता दें कि महिला सहित 5 लोग घायल भी हो गए हैं। मामले विवाद को लेकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का खुर्जा से सूरज महल जटिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए महिला को रेफर भी कर दिया है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर और गुहार भी लगाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर ही पीएम मोदी की बैठक के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों पर खास ध्यान देने के अलावा टेस्ट, जांच और स्क्रीनिंग को तेज करने की योजना बनाई है। वहीं यूपी में आने वाले विदेश यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। और इस मामले पर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया, दक्षिण अफ्रीका से अभी तक यूपी में आए 2 भारतीय नेगेटिव मिले हैं और राज्य में इसको लेकर सभी सावधानियां बरती जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर भी जो देखते हुए यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिलों में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा को लेकर भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्क RT-PCR की जांच भी की जाएगी। स्टेट सर्विलांस ऑफिसर विकास इंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों के DSO और CMO और DIO को लेकर भी एक बैठक की जा रही है और जिसमें अधिकारियों को डेली मॉनिटरिंग को बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। यूपी सरकार के अभी से सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर से बड़ी संख्या में आने वाले विदेशी यात्रियों पर निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। इसको लेकर अधिकारी भी लगातार जिलों से संपर्क में हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अलर्ट भी कई राज्यों में जारी कर दिया गया है। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों को भी जो टेस्टिंग है वो की जा रही है और इसके साथ ही सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान हेल्थ को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी और यही वजह है कि प्रदेश नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अब यूपी नए वेरियंट ओमिक्रॉन का भी सामना करने के लिए तैयार है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बस्ती के रुधोली विधानसभा के विष्णुपुरावा में भी विशाल विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अपना दल का गठबंधन पिछले 3 चुनाव से है। 2014 का विधानसभा चुनाव, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हम साथ मिलकर लड़ रह चुके हैं और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल और बीजेपी के गठबंधन को दिल से स्वीकार किया है। ये चौथा चुनाव है जिसको हम साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। सीटों पर हमारी चर्चा चल रही है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जहां तक किसानों की कुछ मांगे हैं, जहां तक कृषि कानूनों पर किसानों की आशंका और आपत्ति का विषय है, मुझे लगता है कि उस पर विराम लग चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 कृषि कानूनों को वापस कर लिए गए हैं और कल संसद में ही कानूनी की वापसी को लेकर भी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा पालन किया जाएगा, उसकी वापसी का भी बिल भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों की जो भी मांगे रह गई हैं, बातचीत के जरिए सरकार उसका भी रास्ता निकालेगी। वही अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल से भी बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रयास करना हमारा काम है, हमने प्रयास किया और परिणाम सकारात्मक आए या ना आए ये हमारे हाथ में नहीं है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी का स्वतंत्र पार्टी है और हम NDA की एक सहयोगी पार्टी है। हम निरंतर ये विषय उठा रहे हैं कि ऑल इंडिया
को लेकर भी जो गठन होना है वो भी, ताकि देश कोने कोने से हर परिवार के अंदर और हर वर्ग के अंदर जो भी प्रतिभावानक है उसको भी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके उन पर न्यायाधीश के पर्दों पर बैठने का भी अवसर मिले। ये हमारी पार्टी का पक्ष है और इसे हम संसद और पार्टी के अंदर लगातार उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं को भी मुंह पर आ रही जाती है और उन्होंने ये भी दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद समाज चुनाव हरा देगा। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा, बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ता के मुंह से ही आ जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर बीजेपी प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से दो बार समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी को डकैत कहते हुए सुने जा रहे हैं और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रही हैं। सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खान से रविवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। शिवपाल सिंह यादव जेल में ही आजम खान के लिए फल और मिठाई लेकर पहुंचे थे और उनके साथ में तीन अन्य लोग, अंकुश कुमार और दनिश भी बताए जा रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे और सभी के मोबाइल और पिस्टल जिला कारागार के बाहर ही जमा करा दिए गए थे। आजम खान से मिलकर बाहर आने के शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत भी की है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, ये देरी नहीं है, ये रणनीति का हिस्सा है। कब क्या करना है, कैसे करना है, आपके सामने ये रणनीति नहीं बता सकते। जिन्ना के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि आपने हमारे कई बयान सुने होंगे और इसको लेकर भी अब जिन्ना पर नहीं बोलना है। और शिवपाल सिंह यादव ने ये भी कहा कि परीक्षा रद्द होने पर भी योगी सरकार को उन्होंने साफ तौर पर घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में दो बार पहले भी पेपर लीक हुआ और आज एक बार और हो गया और इस पर सरकार में कहीं कंट्रोल नहीं है। जो माफिया पेपर लीक करते हैं कहीं ना कहीं सत्ता के लोग भी मिले होते हैं, उनका मेल मिलाप होता है। इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब चरम सीमा पर है। हम भी मंत्री रहे हैं, हमने भी सरकार में लेखपालों की भर्तियां कराई थी, सभी निष्पक्ष ही भर्तियां हुई थी। यूपी टीईटी 2021 परीक्षा रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके बाद यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये घोषणा करी कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर बिना कोई पैसे दिए अपने अपने गंतव्य से वापस जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज होने वाली इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होने वाले थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद अब इस परीक्षा को एक महीने के बाद फिर से आयोजित किया जाएगा। वहीं पेपर लीक होने के मामले पर एडीजी ने भी कहा है कि यूपी एसटीएफ ने ही सॉल्वर गैंग से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये पेपर व्हाट्सएप पर लीक किया गया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बता दें आपको कि यूपी टीईटी की परीक्षा देने का जा रहे छात्रों को परीक्षा केंद्र पर ही अपना एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी और शैक्षिक योग्यता जो होती है उसको दर्शाना था। इसको लेकर भी तभी सर्टिफिकेट मिलने वाला था और छात्रों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र जाते वक्त ये सभी डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हो, नहीं तो उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी।
मेरठ में सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई, जिसके चलते दो मासूम बच्चियों की आग में झुलसने से मौत भी हो गई। एक बच्ची की उम्र महज 1 महीने की बताई जा रही है और दूसरी बच्ची की उम्र मात्र 21 साल की बताई जा रही है। घर में, आपको बता दें, 21 दिन की बताई जा रही है और घर में दोनों नवजात बच्चियों को लेकर खुशी का माहौल था, जो अब पूरी तरह से मातम में बदल गया है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझा लिया है और दोनों बच्चियों को बचाने में नाकाम रही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अमृत भट्ट ने भी जायजा लिया है। के रिसाव से आग लगी है, उसमें दो बच्चियों की मृत्यु हुई है, अलीजा और इनास। ये बच्चियां 21 दिन की और 11 दिन की थी। उनके पिता का नाम एक जुनैद था और एक उनके बहनोई की लड़की थी। तो पुलिस टीम आई है और रेवेन्यू की भी टीम है, हम लोगों ने संज्ञान लिया है और अभी जांच चल रही है। ये गैस सिलेंडर के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 दिन पहले अधेड़ मजदूर की बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले मृतक अधेड़ मजदूर पवन मामूली कहासुनी को लेकर समुदाय विशेष के आरोपियों से झगड़ा हुआ था और जिसके बाद समुदाय विशेष के आरोपियों ने अधेड़ मजदूर पवन की चाकुओं से गोदकर बीच सड़क पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार आरोपी फरार चल रहे थे और एसएसपी संतोष कुमार सिंह के आदेश के अनुसार पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी और जिसके बाद आज खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने हत्या में मुख्य आरोपी सलमान सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया चाकू और बरामद कर लिया गया है। फिलहाल लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत तमाम अहम कार्रवाई करने के भी स्थानीय पुलिस जो है वो जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि 2 दिन पूर्व हुए पवन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल जो है वो भेजा जा रहा है। तीन चार लड़के और बुलाए थे हवेली के अंदर, मैं बात करने गया, मुझे बदमाशी दिखाई गई। नोत अभी बुलाऊँ तेरे बहनों की अभी मारूँ, तो हार उसका जनरेटर का हत्या मेरे यहाँ पे मारा जा रहा था। मैंने उस कोनी मारी जनरेटर के हत्ते में, जनरेटर हत्या इधर पड़ा, मेरी जेब में चाकू रखा था छोटा वाला, मैंने चाकू बढ़ा दिया दुश्मनी क्यों, वो जब मुझे नहा पे लगती मैं ही मर जाता, इसलिए तुमने वो मारा। मैंने उसको मार दिया। 3 लोग थे, हम जुन्नू, मैं, हसीन। ये 26/11 की रात को लगभग 7:30 बजे के आसपास पवन दीक्षित, जो बिजली मिस्त्री का काम करते थे, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष के आसपास है, अनमैरिड व्यक्ति थे, उनकी चाकू घोंप के हत्या की गई थी। एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था, चूँकि इस प्रकरण में दूसरे समुदाय के अभियुक्त इन्वॉल्व थे, इसलिए एक सांप्रदायिक तनाव की आशंका संभावना थी। पुलिस की टीम ने बहुत ही सक्रियतापूर्वक सार्थक तरीके से प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में महिला टीचर शिक्षा मित्र के साथ दबंगों ने स्कूल जाते समय लाठी डंडों से मारपीट की। आनन फानन में महिला टीचर शिक्षा मित्र गुलावर्धी ने कोतवाली पहुंचकर दबंग लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने महिला टीचर शिक्षा मित्र को CSC अस्पताल गुलावर्धी में भी मेडिकल के लिए भेजा है। बरमंद नगर में ही थी, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरमंद नगर, डॉक्टरी में बसी हुए हैं, रिपोर्ट लिख दिया, लेकिन एक्स्ट्रा वगैरह सिटी स्कैन कुछ नहीं हुए हैं। वहाँ डॉक्टरी करा के ले आए हो, क्या सिटी स्कैन कराना है भैया? मेरे सिर में बहुत ज्यादा चोट है, सूजन आ रही है मेरे सिर में। सहारनपुर में रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले लेखपाल के बारे में एंटी करप्शन टीम को एक व्यक्ति ने कराई थी और शिकायत दर्ज। आपको बता दें कि जमीन के दाखिल खारिज कराने को लेकर लेखपाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन की टीम ने ही लेखपाल को आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
बेहद आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है और सहारनपुर के इस भ्रष्टाचार के मामले में कुछ दिन पहले एंटी करप्शन टीम को रिश्वत मांगने को लेकर एक व्यक्ति द्वारा एंटी करप्शन टीम मेरठ को लेखपाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन टीम ने ही जाल बिछाते हुए आज जनपद सहारनपुर जनपद के दिनेश विहार कॉलोनी मक्का मस्जिद और निवासी लेखपाल रियासत अली पुत्र शकील अहमद को रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम का कहना है कि उक्त लेखपाल के बारे में कई दिनों से शिकायत प्राप्त की जा रही थी और शिकायत के आधार पर ही आज लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। लेखपाल के विरुद्ध शिकायत के संबंध में ही टीम को इंस्पेक्टर बाबर जेदी ने बताया है कि 23 नवंबर को ही एक व्यक्ति द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर बताया गया था कि जमीन के दाखिल खारिज कराने को लेकर लेखपाल द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की लगातार मांग की जा रही थी, जिसमें इनका सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ था, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के तहसील के पास ही उक्त लेखपाल सायत अली पुत्र शकील अहमद को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। यूपी के गोरखपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी थी। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में ही एक साथ आपको बता दें कि एक हत्या कर दी गई थी, ऐसा मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही 17 साल के लड़के की कुछ लोगों ने ही चाकुओं से गोदकर हत्या की है। पूरा मामला बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। जानकारी के मुताबिक अंकुर शुक्ला घर से ही हेयर कटिंग कराने की बात कहकर घर से बाहर निकला था, लेकिन शाम को उसके भाई के फोन आने पर भी उसकी हालत जो थी वो गंभीर बताई जा रही है। गाँव में पड़े होने की खबर सामने आई थी और परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे अब जातिगत सियासत भी शुरू हो गई है। उधर पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का है और का पोस्टर भी चिपका रखा है और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की अपराधियों से मिली भगत के खौफ की वजह से ही हम लोग यहाँ मकान बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही मामले में हाई लेवल जांच की मांग भी की जा रही है। ये मामला अब सियासी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ही बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट ही दिखाई देती है। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी अवधेश साहनी ने भी पुलिस को चकमा देने ते हुए ही कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। इसे लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया है। वही खबर है कि शनिवार को भी एक आरोपी मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।